हाय नमस्ते फ्रेंड, मैं ममता ममता क्रिएशन व्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको कुशन कवर बताऊंगी और वो है रफल स्टाइल कुशन कवर। काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। आप अपने बेड पे या आपके सोफे पे आप इसको सजा सकते हैं या अपने गाड़ी में भी आप रख सकते हैं। चलिए जानते हैं ये रफल स्टाइल कुशन कवर बनता है कैसे है। ये हमने अपने घर में ही वेस्ट कपड़े से बनाया है, तो इससे पहले मैं आपको एक लुक दिखाना चाहूँगी रफल स्टाइल कुशन कवर का। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है कुशन कवर। इस तरह से बनेगा, इस तरह से हमारा लुक आएगा। मैंने रेड कलर का चेन डाला है। अगर आप इसी कलर का, जिस कलर का आपका बेस है उस कलर का अगर आप चेन डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये कुशन कवर। हम इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी रख सकते हैं। तो चलिए यही कुशन कवर हम बनाना सीखते हैं। चलिए देखते हैं ये कुशन कवर किस तरह से बनता है। चलिए रफर डिज़ाइनर कुशन कवर बनाने के लिए हम 15x15 का कुशन कवर बनाएंगे। ये हम 15.5 लेंगे और यहाँ से भी हम 15.5 लेंगे। ये हम 15.5 लेंगे, यहाँ से भी हम 15.5 लेंगे। हाफ इंच हमने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ से 15.5 इंच का लेंगे और यहाँ से हम 15.5 इंच का लेंगे। इस तरह से हमको कटिंग कर लेना है। इसके बाद हम पीछे का पोर्शन देखेंगे। पीछे का पोर्शन बनाने के लिए हमें दो टाइप का कपड़ा काटना है। एक हमारा ये होगा 15.5 इंच का, ये हमारा होगा 10.5 इंच का और ये हमारा होगा 15.5 इंच का, ये हमारा होगा 5.5 इंच का। चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से। ये देखिए ये हमारा 10.5 इंच का है और ये हमारा 15.5 इंच का है। ये हमारे 15.5 इंच का है, ये हमारे 5.5 इंच का है। चलिए अब रफल बनाने के लिए हमको ये पट्टी लेना है। साटन का कपड़ा ये हमारा पट्टी लेना है। ये हमारा 3-3 इंच का पट्टी है, ये हमारा 3 इंच का पट्टी है और ये हमारा पूरी लंबाई में हम लेंगे रफल बनाने के लिए। आपको जिस कलर का रफल बनाना है आप वैसा कपड़ा ले लीजिएगा, पूरे लंबे में ले लीजिएगा, लंबा करके ले लीजिएगा। हमारा चौड़ाई 3 इंच का रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से हमारा रफल बनता है। चलिए ये देखिए हमने इस तरह से रफल बना दिया है और हमने पहले इसको पिको किया है इस तरह से हमने सब पिको कर लिया। उसके बाद हमने ये चुनट दे के इसको इस तरह से हमने रफल बना दिया। हमारा रफल बन चुका है। ये देखिए हमने इस तरह से रफल बना दिया है। अब चलिए हम पहले कुशन बनाएंगे, उसके बाद हम ये रफल लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए हम अब इसमें रफल लाएंगे। हमने जो चुनट दे के पट्टी बनाई थी इसमें हम लगाने वाले हैं, हम लोग फ्रंट वाले पोर्शन में लगाएंगे। चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम लगाते हैं। ये हमारा एक कपड़ा है कटा हुआ। अब हम इसको इस तरह से लेंगे और हम लोग ऐसी पट्टी लगाएंगे। चलिए हम देखते हैं किस तरह से पट्टी लगाते हैं। पहले हम मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच का लेंगे, ये हमारा 2.5 इंच है। 2.5 इंच पे हम लोग ये निशान लगाएंगे ऐसे। उसके बाद हम 2-2 इंच पे लगाएंगे, 2 इंच पे लगाएंगे, फिर उसके बाद हम 2 इंच पे लगाएंगे।
इस तरह से हमारा ये निशान बन चुका है, ये तीन। ऐसे ही हम आगे भी लगा देंगे निशान, ये हमारा 2.5 इंच पे है, ये हमारा 2 इंच पे है, ये हमारा 2 इंच पे है। हम इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से लाइन खींच दिया है। अब इस पे हम रफल लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा रफल है, चलिए हम रफल लगाते हैं। हम इस पे ऐसे रख देंगे और इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे इस पे। ये देखिए हमने ये रफल लगा लिया इस तरह से, हमने जैसे लाइन खींचा था उसके ऊपर हमने रख के ये रफल बना लिया है, ऐसे बनेगा। ये देखिए इसको इस तरह से हम कर देंगे, ऐसे हमारा रफल बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे, इस तरह से हम ऐसे लेस लगा देंगे। चलिए हम लेस लगाते हैं। ये देखिए हमने ये रफल लगा दिया है इस तरह से, हम लोग ऐसे लेस लगा दिए हैं और इस तरह से हमारा रफल होगा। ये देखिए इस तरह से हम लगा के पूरा तैयार कर लेंगे। हम आपको बताएंगे कि कुशन को किस तरह से जोड़ना है, चलिए देखते हैं किस तरह से जुड़ता है हमारा कुशन। चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से हमारा कुशन ज्वाइन होता है। सबसे पहले ये जो फोल्ड है, एक बड़ा वाला पीस है हम लोग का पीछे वाला, जो हमारा बड़ा वाला पीस है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से। ये देखिए हमने चेन लगा दिया है, अब हम फ्रंट वाले पोर्शन से इसको जोड़ेंगे। चलिए हम जोड़ते हैं। हम दोनों को उल्टा रखेंगे और सीधा सीधा सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा कुशन बनके तैयार हो गया है। हमारा देखिए पीछे से इस तरह से लग रहा है, बना है। तो हमारा ये कुशन कवर बनके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हमारा ये कुशन कवर बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये मेरा वीडियो देखेंगे और ये कुशन कवर बनाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह से बना है और कैसा बना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप ये मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए नमस्ते।